नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित कौवाबाग डेयरी कॉलोनी में हुई डबल मर्डर से क्षेत्र में फैली सनसनी। SSP ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा, मृतकों का भी है आपराधिक इतिहास। वेतन विसंगति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे NHM के संविदा कर्मियों ने इमरजेंसी सेवा ठप करने की दी चेतावनी। CMO ने कहा नो वर्क नो पे, लिखा पढ़ी और फाइनेंशियल डाटा वेबसाइट पर फीड करने में हो रही है दिक्कत। महिला आरक्षी रिक्रूट का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। पासिंग आउट परेड में शामिल हुई 240 महिला आरक्षी। ADG ने किया परेड का निरीक्षण, लिया मार्च पास्ट की सलामी, कहा देश और समाज को है पुलिस से काफी उम्मीदें, करें अपने कर्तव्य का पालन। समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि देकर मनाया जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 95वीं जयंती, कहा पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ाई लड़कर अधिकार दिलाने का किया काम। 26वीं वाहिनी PSC रिक्रूट आरक्षी बैच 2018 का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। IG ने किया परेड का निरीक्षण, ली पासिंग आउट परेड की सलामी, दिलाई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस पर जिला महिला चिकित्सालय के OPD में सामूहिक बेटी जन्म उत्सव का किया गया आयोजन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने बालिकाओं को केक खिलाकर किया अभिवादन। गणतंत्र दिवस व कुंभ मेले के मद्देनजर RPF और GRP ने की सघन चेकिंग, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। गणतंत्र दिवस पर रोटरी क्लब और ऐश्वर्या के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम, क्लब के संयोजक ने दी जानकारी। भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान के अंतर्गत 17 फरवरी को होगी जनसभा, महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी। और मंडल स्तरीय स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गगहा ने भैरवपुर को हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित कौवाबाग डेयरी कॉलोनी में बुधवार की देर रात आपसी विवाद में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात हुए डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर मुकामी पुलिस के साथ आला अधिकारी भी पहुंच गए और मामले की तफ्तीश में जुट गए। मिली जानकारी के अनुसार डेयरी कॉलोनी में स्थित एक खाली मकान में दावत के दौरान दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में RPF लखनऊ में तैनात सिपाही का भतीजा रानू सिंह 28 साल और कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के धोबी छापर निवासी रमेश यादव 24 साल शामिल है। घटना बुधवार की रात 12 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही SPCT विनय कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। दारू बोतल में जाता हूँ मैं, और वीडियो बनाता हूँ। नगर वाला की पता चलता है। नहीं
बिल्कुल रात में कल कोई 12 बजे के बाद आसपास 100 नंबर पर भी सूचना आई और हमारा चौकी अफसर भी वहीं पास में ही किसी बड़ा ये पेट्रोलिंग कर रहा था, उसको भी किसी ने बोला तो तुरंत ही मौके पे पुलिस पहुंची 5 मिनट के अंदर ही। तब तक के दो लोगों का मर्डर हो गया था और जैसा प्रथम दृष्टया पाया गया है, एक मरने वाला रमेश यादव है, इस पर भी बहुत सारे पहले से ही मुकदमे हैं और दूसरे एक रानू सिंह करके हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पर और भी लोग थे, जो कमरे का मुआयना वगैरह जहाँ पर ये कोठरी थी जिसमें बैठे थे, 5-7 लोगों के खाने पीने की वस्तुएं, हांडी में मीट पकता हुआ मिला और आराम से वहाँ पर शराब वगैरह भी पाई गई और मरने वाले के मृतक की जेब से भी शराब पाई गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर इसी तरह के मनबड़ और आपराधिक किस्म के लोग वहाँ पर बैठे थे और उनमें आपस में कुछ विवाद या रंजिश हुआ जिसमें गोली चली और दो लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई। उसके लिए अभी जांच चल रही है लेकिन उसके भाई के ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे पाए गए हैं। सर को गिरफ्तारी है बदमाशों की? जी बिल्कुल, अभी हिरासत में 4-5 लोग लिए गए हैं और चूंकि ये पहले से ही शातिर और मनबड़ किस्म के हैं तो ये सभी रात में ही मौके से फरार हुए हैं, उनके पीछे टीमें लगी हैं और जिले के बाहर भी कई टीमें गई हुई हैं। जल्दी इनको पकड़ लिया जाएगा और सभी आइडेंटिफाइड हैं, ये कोई ऐसी बड़ी लूट या इस तरह की हत्या या ढक्कया कुछ करने की वारदात की फिराक में भी हो सकते हैं, ये जाँच के बाद ही पता चलेगा। वेतन विसंगति सहित अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का धरना जारी रहा। गुरुवार को धरने पर बैठे NHM संविदा कर्मियों ने चेतावनी दिया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इमरजेंसी सेवाओं को ठप कर देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी ने कहा कि हड़ताल की सूचना हमें मिली है, इनकी हड़ताल नो वर्क नो पे मैंने कर दिया है, आगे स्टेप मेरा ये होगा कि हम निकाल देंगे। हमारा जो कार्य प्रभावित हो रहा है वो केवल लिखा पढ़ी और फाइनेंशियल बनाने का है। भारत सरकार प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर लोड करने का फीड करने का केवल वो थोड़ा प्रभावित हो रहा है, जनता को हड़ताल से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस अवसर पर हड़ताल में भारी संख्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक, JSY से जुड़ी स्टाफ नर्स, NNM और अन्य संविदा कर्मी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर विनय कुमार सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी ने कहा। हमारी मांगे चाहे जो जिंदाबाद आवाज हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी हो, क्या है जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। संविदा कर्मी जिंदाबाद, 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 संविदा कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर विनय कुमार सिंह, चौथा दिन है, हमारी 5 मेन मांगी हैं। पहला है समान कार्य और समान वेतन विशिष्ट सेवा नीति से, दूसरा आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को रोक लगाया जाए, तीसरा संविदा कर्मचारियों का स्थायी समायोजन और नया पद सृजन किया जाए, चौथा आशा का न्यूनतम वेतन 10,000 माना जाए और RBS के ऐप में सुधार लाया जाए। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो कल से हम इमरजेंसी सेवा ठप कर देंगे और हर जगह हम बैठ के हर ब्लॉकों पे अपना सारी सेवाओं को समाप्त करेंगे, कोई भी इमरजेंसी कार्य नहीं करने देंगे। ये जो संविदा कर्मचारी हमारे हैं मिशन से अपॉइंटेड, ये 2-3 दिनों से हड़ताल पे हैं, इसकी सूचना भी इन्होंने हमें दिया था, लेकिन इनकी हड़ताल नो वर्क नो पे मैंने कर दिया है और आगे का स्टेप मेरा ये होगा कि इनको हम निकाल देंगे, क्योंकि इन्होंने जब हमारे साथ संविदा पे आए थे और इन्होंने अनुबंध साइन किया था तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ना हम परमानेंट होने की मांग करेंगे, ना हम कोई कोर्ट केस करेंगे और ना ही कोई हड़ताल पे जाएंगे। उसके बावजूद भी ये जा रहे हैं, इन्होंने दलील ये दिया कि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने कहा है इसलिए हम अपनी ब्रांचेज में हड़ताल कर रहे हैं। तो
ये उस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि जिस दिन जितने दिन ये काम नहीं कर रहे हैं वो तो इनको सैलरी हम नहीं देंगे। आगे की कार्यवाही जैसे उत्तर प्रदेश में चलेगी और जगहों पे या ऊपर से दिशा निर्देश आएगा वैसा किया जाएगा। इनके जाने से हड़ताल पे जाने से सेवाएं बाधित नहीं हैं। एक आध दो जगह थोड़ी सी समस्या आई थी कि डिलीवरी केसेस नहीं हो रहे थे, वहाँ पे हमने परमानेंट हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनकी इस तरह से व्यवस्था कर दी है कि डिलीवरी सामान्य रूप से होती रहेगी। वैक्सीनेशन का मुझे अखबार में पढ़ने को मिला है कि वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ, वो कतई प्रभावित नहीं होता क्योंकि वैक्सीनेशन का कार्य ANM करती है जो परमानेंट एम्प्लॉई है और उसमें किसी भी संविदा कर्मचारी के कोई योगदान नहीं रहता। केवल आशा बुलावा टोली में रहती है जो बुला के बच्चों को ला के लगवाती है, वो हमारी आंगनबाड़ियाँ कर देती हैं। तो इसलिए हमारा कोई कार्य प्रभावित नहीं है। हमारा जो कार्य प्रभावित हो रहा है वो केवल लेखा पढ़ी का और जो फाइनेंशियल बनाने का और उसको लोड करने का, उसको फीच करने का हमारे सरकार की वेबसाइट पे, उत्तर प्रदेश के सर पर, केवल वो थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। जनता को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इमरजेंसी सेवा ठप करने की चाहिए, इमरजेंसी सेवा ये करते ही नहीं है, इसलिए इमरजेंसी सेवाएं ये ठप नहीं कर सकते। केवल जो संविदा पे अपॉइंटेड हमारी स्टाफ नर्सेज हैं वो डिलीवरी का कार्य करती हैं जो कि 24 आवर्स एक इमरजेंसी होती है, लेकिन तमाम जगहों पे CSCs PSCs पे हमारी परमानेंट एम्प्लॉई स्टाफ नर्सेज मौजूद हैं, इसलिए वो डिलीवरी का कार्य करेंगी। एक दो जगह जहाँ कमी थी वो हम अगल बगल से पूरा कर दिए। गोरखपुर पुलिस के महिला आरक्षी रिक्रूट का दीक्षांत समारोह का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ADG दावा शेरपा, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, ASP रोहन प्रमोद बोत्रे के अलावा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित पुलिस के अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ADG दावा शेरपा ने परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद आरक्षियों ने शानदार मार्च परेड किया जिसमें 246 महिला आरक्षी शामिल हुए, जिसकी सलामी मुख्य अतिथि ADG दावा शेरपा ने ली। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान अच्छी रैंकिंग लाने वाले आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अपने संबोधन में ADG द्वारा शेरपा ने 9 आरक्षियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ADG ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद अब आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी आरक्षियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तथा असहाय निर्षेतों के लिए साथ देश व समाज की सेवा करें। इस मौके पर SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG दावा शेरपा ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि आज होगी बारिश, आज नहीं सर, कल तो होगी। इतना अच्छा काम किया है, बारिश कैसे होगी? नहीं, वो तो है, अब मौसम में इस परेड का कमांडेंट फर्स्ट रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 26 अवली कुशवाहा द्वारा कमांडेंट फर्स्ट महिला रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 51 निधि को पूरे परेड की कमान दी गई। द्वितीय परेड कमान रिक्रूट महिला आरक्षी चेस्ट नंबर 1 मंजू कुमारी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है। बाजा
द्वारा बहुत ही शानदार। इन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं इस विचार समारोह का परिचय कराना चाहता हूँ। सबसे पहले टोली नंबर एक की कमांड का नेतृत्व महिला आरक्षी कुछ चंद पलों में ही मैं ये नहीं परेड कमांडर फर्स्ट बहुत ही खूबसूरत नजारा बहुत ही शानदार तरीके से पूरी परेड में सलामी दी। कोमल है कमजोर नहीं थी, कोमल है कमजोर नहीं थी, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली शक्ति का नाम ही नारी है। अग्रिम कार्रवाई होती कमान एक बेहतरीन कदम एक संघ को प्रस्थान करती हुई Thank you.
समारोह में जो अब तक के अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला रिक्रूट आरक्षियों ने लाइन तोड़ की कार्रवाई की, जो कमांड इन फर्स्ट के नेतृत्व में धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ेंगी। नंबर दो पे हैं चरण ऑफ अनुशासन के लिए सर समय है इसका सर, सबको इंतजार रहता है। बेस्ट प्लाटून जिसने मार्च पास्ट अच्छा किया है उसके लिए
और सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर, ये 12 प्लस है, इसमें से टॉप मोस्ट अभी सेलेक्ट की गई है सर आपके सामने से जो मिली, वो बता दिए गए प्लाटून बोलेगी अपना नाम, प्लाटून नंबर 4, प्लाटून नंबर 4 के कमांडर आ गए अपना ये कंधा इधर कर। आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि सक्रिय पुलिस सेवा में आपका योगदान सदैव उज्जवल रहेगा, समाज के प्रति आपके जिम्मेदारी है, कानून के प्रति जो प्रतिबद्धता है और समाज की जो अपेक्षाएँ हैं इसको पूरा करने के लिए आप एक ऐसी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें चुनौतियाँ भी बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ एक सेटिस्फेक्शन जिसको संतुष्टि कहें ये भी उतना ही है। कोई भी व्यक्ति जो परेशान हो किसी आपत्तिग्रस्त में हो तो पहले तो वो ईश्वर को जपता है, ईश्वर को याद करता है, उसके तुरंत बाद अगर किसी की राह देखता है मदद के लिए तो पुलिस की राह देखा करता है। तो आप उनमें से हैं जो आपद विपद में फंसे दुखी परेशान आदमी के लिए एक पहला रेस्पॉन्डर, पहला व्यक्ति जो उसके मदद के लिए पहुंचने वाले में से हैं, और ऐसा मदद देकर आपको न केवल पुण्य मिलेगा बल्कि बहुत बड़ी संतुष्टि आपको मिलेगा। विश्वास रखिए कि नौकरी तो बहुत तरक्की है, लेकिन पुलिस की नौकरी को सेवा कहा जाता है वो तो इसलिए कि यहाँ आम नौकरी की तरह नहीं, एक सेवा भावना की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और अगर इसमें सेवा भावना जागृत है तो उसको संतुष्टि उसी मात्रा में प्राप्त होगी। आज इस परेड ग्राउंड में जिस प्रकार का प्रदर्शन आप लोगों ने किया, वास्तव में इसके पीछे बहुत परिश्रम आपका हुआ है, दिखाई दे रहा है, ग्राउंड की साज सजावट में आपने बहुत मेहनत की है। इस ट्रेनिंग सेशन में लगे सभी टीचर्स हैं, अधिकारीगण हैं तथा सब आप सभी को मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि इतना भव्य और बढ़िया परेड प्रस्तुत किया है। मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हुई अपनी बात को समाप्त करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप जिस काम के लिए, जिस भावना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस कार्य में जुटे हैं वो सफल रहेगा। आप समाज को जो अपना योगदान है उसको उत्तम उत्कृष्ट पेटी का प्रदान करेंगे। धन्यवाद। सभ्य सौम्य एवं मधुर व्यवहार करूंगी, इसमें
सर्व रक्षक परमेश्वर मेरी सहायता करें। जय हिंद। पुत्र विद्यार्थी, मेरी काल से मन से गुजरेगी। आज यहाँ महिला रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है और 277 महिला आरक्षी रिक्रूट आरक्षी यहाँ से पास आउट करके अपने अपने जनपदों में सक्रिय पुलिस सेवा के लिए जा रहे हैं। इसी अवसर पर मुझे ये सौभाग्य मिला कि यहाँ मैं अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ। निश्चित रूप से पुलिस की जो नौकरी है कठिन नौकरी है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जैसे मैं रिक्रूटों को कह रहा था, ये उतना ही संतुष्टि भी आपको प्रदान करता है, क्योंकि एक असहाय को आप मदद करते हैं, एक आपद विपत्ति में पड़े आदमी को अगर आप मदद करते हैं तो उसको उसके लिए जो आपके मन में संतुष्टि का भावना मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो एक सेवा भी है, ये न केवल नौकरी है, एक नौकरी के साथ साथ में एक जनसेवा है, समाज सेवा है। तो उसी भावना के साथ अगर इसको किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। महान समाजवादी विचारक एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 95वीं जयंती गुरुवार को समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि पिछड़ों और वंचितों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे समाजवादी नेता थे, उन्होंने पिछड़े समाज को, कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ाई लड़ के अधिकार दिलाने का काम किया। उनकी सादगी और ईमानदारी का लोहा उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते थे। इस श्रद्धांजलि सभा में जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, जवाहरलाल मौर्य, अवधेश यादव, मिर्जा कदीर बेग, दयानंद विद्रोही, सिंहासन यादव, रामलखन पासवान, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, राघवेंद्र तिवारी, राजू मैना भाई, संजय यादव, जितेंद्र यादव, हरवान यादव, इंजीनियर विजय शंकर यादव, सुनील यादव, जयप्रकाश यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, तो
जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती है। कर्पूरी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे जरूर, लेकिन उन्होंने पूरे पिछड़े समाज को, कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ाई लड़ करके अधिकार दिलाने का काम किया, और यहाँ तक कि जो मंडल कमीशन आयोग में बीपी मंडल साहब ने जिन चीज़ों को अपने वर्जन में लिया वो कर्पूरी बाबू की लड़ाई की देन थी। आज जो लड़ाई उन्होंने लड़ा था कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पाँव में 100 में 60, तो 100 में 60 तो नहीं मिला, लेकिन 100 में 27 मिला, और इस 27 पर भी भारतीय जनता पार्टी आज खतरा बनाए हुए हैं, इसलिए और प्रासंगिक हो गए हैं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब कि कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन को हम लोग मनाएं। यह एक तरह से न्याय दिवस है, सामाजिक न्याय दिवस है। कर्पूरी ठाकुर जैसे महान लोग जिन्होंने हम लोगों को, पिछड़ों को अधिकार दिलाया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, इसलिए आज एक कार्यक्रम हो रहा है। 26वीं वाहिनी पीएससी के रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड का आयोजन पीएससी के दीक्षांत परिसर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आईजी रेंज जय नारायण सिंह के अलावा पीएससी के सहायक सेना नायक और अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि आईजी रेंज जय नारायण सिंह ने परेड का निरीक्षण किया तथा पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस मौके पर ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 आरक्षियों को मुख्य अतिथि आईजी जय नारायण सिंह ने सम्मानित किया। तत्पश्चात 9 आरक्षियों को उनके पद और कर्तव्य की निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अपने संबोधन में आईजी जय नारायण सिंह ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद अब सभी आरक्षियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब आप लोगों की ट्रेनिंग जनपदों में होगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी जय नारायण सिंह ने कहा, आप द्वितीय परेड कमांडर अश्विनी कुमार और तृतीय कमान गोविंद कुमार अपने स्थान को ग्रहण करते हुए पूरे परेड की कमांडर रिक्रूट आरक्षी अभिषेक सिंह के कंधों पर आ गई है। अविस्मरणीय पावन वेला को अक्षुर बनाने के लिए एवं आपके स्वागतार्थ हमारे जवानों ने अपने श्रम सलील से इस परेड ग्राउंड को संवारा है। इसमें श्रद्धा, समर्पण एवं प्रेम की खुशबू को पिरोया है। ये नौनिहाल जो आज हम समाज की रक्षा के लिए ये शपथ लेंगे, ये रेकर्ड, इनकी हरकत, इनकी साफ सज्जा, इनका उत्साह, पूरे पठानुगामियों का होता है। अगर कहीं कुछ डगमगाया परेड कमांडर तो उसी से प्रश्न पूछते हैं उनके अनुयायी। आदरणीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय,
मुख्य अतिथि आईजी महोदय श्री जय नारायण सिंह साहब सलामी लेते हुए मुख्य उत्साह से लबरेज अभ्यर्थना करेंगे मुख्य अतिथि महोदय से अपने अभिभावक से श्रीमान परेड निरीक्षण को तैयार है कि आप आए क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि जो होता है वह होने दो आपके सामने कि यूसो करोड़ों साल से है आदमी का वजूद निगाह फिर भी तरसती है आदमी आप गोरखपुर क्षेत्र के मुखिया है अभिभूत है आज आप अपनी उपस्थिति से इस प्रोजेक्ट को बना दिया अब वे अपने सुगंध सौरभ को समाज को समर्पित करने जा रहे हैं और ये कैडेट्स पर वगरना पैरों के निहाल आश्वस्त कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय को हमारे दर्शक बंधु बैठे हैं उत्साहवर्धन के लिए निरंतर तालियों की गड़गड़ाहट की आवश्यकता पड़ती है अनंत उम्र को एक धर्म सेवा का भाव उन्नत वक्ष प्रबोधित मुख एवं हृदय में गुनगुना हे ईश भारत वर्ष में शतवार मेरा जन्म हो कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो शाबाश मेरे नौनिहालों और ये हमारे नौनिहाल जो समाज की सेवा का प्रति और समाज की सेवा के लिए अपनी आहुति देने के लिए भी निरंतर तैयार रहते हैं इनका एक संदेश है समाज के लिए तभी फूल लगने लगेंगे किसान का आशीर्वाद अपने अभिभावक मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त करें और दूसरे तैयार रहेंगे चर्च नंबर 218 राहुल कुमार रुके रहेंगे जब प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले करते हुए विशेषतः उस परीक्षा में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 118 उस परीक्षा में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 218 राहुल कुमार शाह प्रथम आए हैं यातायात नियंत्रण में प्रथम आए हैं फील्ड क्राफ्ट में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 141 सभी शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम आए हैं छाप कार्ड में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 188 जसपाल गौड़ मैं पुरस्कार विजेताओं के नाम का उद्बोधन मैं करूंगा तृतीय समूह में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 82 चतुर्थ समूह में प्रथम आए हैं चर्च नंबर में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 23 चंदन कुमार में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 66
अदालत में प्रथम आए हैं जज नंबर 20 सर्वेश कुमार, इधर सामने देखो, जज नंबर 132 अर्पित कौर। क्योंकि पूरे परेड में सर्वांग सर्वोत्तम स्थान पर ये घोषित हुए हैं परीक्षा, ये इधर सामने तो द्वितीय परेड कमांड चक्ष नंबर 2 नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कंधों पर ये प्रथम कमांड चक्ष ये सामने थोड़ा, जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, जिनकी सामिप्यता को प्राप्त गाइडेंस को एक कुम्हार और माली की तरह संवारने में इनका योगदान रहा है जी। हेलो सर जी, और हाँ इधर थोड़ा देख लीजिए अपना, और जब हमारे मुख्य बहुत अच्छा संचालन, बहुत बढ़िया सब दोस्त, पुलिस विभाग में ट्रेनिंग के उपरांत पासिंग आउट परेड की बहुत ही महत्ता है। यह वो दिन है जो हम अपने 6 महीने के कार्यकाल के बाद ट्रेनिंग के उपरांत इसके माध्यम से हम अपने अभिभावकों के मौजूदगी में हम अपनी जो मेहनत और लगन का परिणाम इस परेड के माध्यम से सबको प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने जो पिछले 6 महीने में कठिन मेहनत और परिश्रम से आज ये जो ट्रेनिंग संपन्न हुई है उसकी जो आज परेड है बहुत ही आज उच्च कोटि की थी। यह परेड बिना यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, यहाँ की जो टीम है, बिना उनके मेहनत के संभव नहीं थी। तो समस्त जवान और समस्त इंस्ट्रक्टर्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज के बाद ये जो हमारे जांबाज हैं ये फिर ट्रेनिंग के लिए अपने अपने जनपदों में जाएंगे। अभी इनकी ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा जनपदों में प्रारंभ होगा। आप लोगों ने यहां पर जो सिखलाई इंडोर की और आउटडोर की आपने यहां पर की है, इसका प्रैक्टिकल लूप आप फील्ड में देखेंगे। शपथ लेता हूं विधि विधान के प्रति मैं के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन विधि के अनुसार पूर्ण साहस निर्भीकता एवं उत्साह से करूंगा। मैं यह भी शपथ का पालन पूरी निष्ठा निष्पक्षता चैतन्यता परिश्रम एवं पवित्र अंतःकरण के साथ करूंगा। इस प्रांगण में जाते हैं सिविल पुलिस के जाते हैं जवान का आज पासिंग आउट परेड यहाँ संपन्न हुआ। और जैसा कि सभी को पता है कि आज पूरे प्रदेश में जो 6 माह पूर्व जाते हैं लगभग 30,000 पुलिसकर्मियों के जाते हैं ट्रेनिंग
प्रारंभ हुई थी, आज उसी परिपेक्ष में जाते हैं पासिंग आउट परेड आयोजित की गई है। जनपद लखनऊ में ये भी जो लगभग पासिंग आउट परेड के बाद लगभग 700 आरक्षी के करीब जो है जवान गोरखपुर पुलिस को भी प्राप्त हो रही हैं, और ये जवान भी जो यहाँ पर हैं ये विभिन्न जनपदों में जाएंगे और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित कौवा बाग डेयरी कॉलोनी में हुई डबल मर्डर से क्षेत्र में फैली सनसनी, एसएसपी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा, मृतकों का भी है आपराधिक इतिहास। वेतन विसंगति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम के संविदा कर्मियों ने इमरजेंसी सेवा ठप करने की दी चेतावनी। सीएमओ ने कहा नो वर्क नो पे, लिखा पढ़ी और फाइनेंशियल डाटा वेबसाइट पर फीड करने में हो रही है दिक्कत। महिला आरक्षी रिक्रूट का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न, पासिंग आउट परेड में शामिल हुई 240 महिला आरक्षी। एडीजी ने किया परेड का निरीक्षण, लिया मार्च पास्ट की सलामी, कहा देश और समाज को है पुलिस से काफी उम्मीदें, करें अपने कर्तव्य का पालन। समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि देकर मनाया जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 95वीं जयंती, कहा पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ाई लड़कर अधिकार दिलाने का किया काम। 26वीं वाहिनी पीएससी रिक्रूट आरक्षी बैच 2018 का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न, आईजी ने किया परेड का निरीक्षण, ली पासिंग आउट परेड की सलामी, दिलाई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस पर जिला महिला चिकित्सालय के ओपीडी में सामूहिक बेटी जन्म उत्सव का किया गया आयोजन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने बालिकाओं को केक खिलाकर किया अभिवादन। गणतंत्र दिवस व कुंभ मेले के मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी ने की सघन चेकिंग, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। गणतंत्र दिवस पर रोटरी क्लब और ऐश्वर्या के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम, क्लब के संयोजक ने दी जानकारी। भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान के अंतर्गत 17 फरवरी को होगी जनसभा, महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी। और मंडल स्तरीय स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गगहा ने भैरवपुर को हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। अरकम सी ट्रेवल्स आरे खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए IVF, ICSI, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें। और सिटी स्कैन, 2D इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार मेडिकल कॉलेज रोड, चरगांव, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं, बात करनी चाहिए बात। अमू बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूँ मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है। समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था, अमू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ, है ना पापा? हाँ? किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं। ओ वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका शिशु के दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला महिला चिकित्सालय के ओपीडी विभाग में सामूहिक बेटी जन्म उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने बालिकाओं के साथ केक काटकर सामूहिक बेटी जन्म उत्सव मनाया और एक दूसरे को केक खिलाकर अभिवादन किया। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नवजात जन्मी बेटियों को जन्म प्रमाण पत्र के साथ उपहार भेंट किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जिला महिला चिकित्सालय में मनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान भारत सरकार और राज्य सरकार का है, उसको बढ़ावा देने और समाज में एक संदेश देने के लिए है कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस दौरान प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, डॉक्टर दिनेश सोनकर, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर सुमन शुक्ला, समाज सेवी उषा दास, जिला महिला चिकित्सालय के डॉक्टर और स्टाफ सहित प्रसूताओं के परिवारजन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने कहा, तो मैं चाहूंगा बच्चों की भीड़ आप हो गीजर बाबू कौन बच्चा है? एक बच्चा ही।
ये आज राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस है, उसी को मनाया जा रहा है ये महिला चिकित्सालय में। तो इसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है भारत सरकार का और राज्य सरकार का, उसको बढ़ावा देने के लिए और समाज में एक संदेश देने के लिए कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, उसी संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक आयोजन किया गया है। इसमें हमने सेलिब्रेट किया है केक काटकर, और जो अभी जो बच्चियां पैदा हुई हैं उन बच्चियों को जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है लगभग 35 बच्चियों को, और उसके साथ साथ उनको जॉनसन बेबी किट दी गई ताकि अगर बच्चों के पालन में कोई दिक्कत है तो उसको प्रमोट करने के लिए। थैंक यू। गणतंत्र दिवस व कुंभ मेले को लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बृहस्पतिवार को जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त टीम द्वारा स्टेशन परिसर का सघन चेकिंग किया गया। इस दौरान यात्रियों के बैग की तलाशी के साथ साथ पार्किंग में खड़े दोपहिया और चार पहिया वाहनों के भी चेकिंग किया गया, और साथ ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के अंदर डॉग स्क्वाड टीम द्वारा सघन चेकिंग की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जीआरपी इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह और आरपीएफ इंस्पेक्टर रणजीत यादव ने कहा। Smell, sir. और दूर जाओ और दूर। Come on.
किसी का है। आगामी 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए ये चेकिंग की गई है, संदिग्ध वस्तु और व्यक्तियों की चेकिंग की गई है और कुंभ मेला को देखते को भी मद्देनजर रख करके चेकिंग किया गया है। इसमें आरपीएफ, जीआरपी और आरपीएफ की सीआईबी की टीम भी थी, नहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। देखिए, गणतंत्र दिवस के साथ साथ कुंभ मेला का भीड़ बहुत ज़्यादा स्टेशन पर आ रही है। इसके मद्देनज़र हमारे उच्च अधिकारियों का, हमारे आईजी सर का और कमांडेंट सर लखनऊ का पहले से ही निर्देश है, इस संबंध में लिखित रूप से निर्देश जारी किए हुए हैं। उसी के अनुपालन में हम लोग आपस में समन्वय करके और डॉग स्क्वाड के साथ और सीआईबी टीम और गुड्स एंड पार्सल पोस्ट के इंस्पेक्टर के साथ भी लोगों के साथ ज्वाइंट करके एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान चलता रहेगा, रात में भी हम लोग चलाएँगे और हर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की सघन निगरानी कराई जा रही है। रोटरी क्लब और ऐश्वर्या के संयुक्त तत्वावधान में गणतंत्र दिवस को वृहद स्तर पर मनाने की तैयारी की गई तथा जनता को भी पूरे उल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व को त्यौहार की तरह मनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गणतंत्र उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रोटरी क्लब के संयोजक प्रवीण आर्या ने कहा, प्रवीण आर्या इस कार्यक्रम संयोजक हैं, अध्यक्ष रोटरी आचार्य जायसवाल जी, कार्यक्रम निदेशक रोटरी मंगेशवर पांडे जी, सचिव एमपी कंडोई जी हैं। रोटरी क्लब गोरखपुर जो है गणतंत्र उत्सव जो कि अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, इसको जनता के अंदर एक जागरूकता फैलाने के लिए ये हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे वो अपने राष्ट्रीय पर्व को भी अपने ईद, दिवाली, दशहरे की तरह मनाए और उसी उल्लास के साथ परिवार के साथ इस जो राष्ट्रीय पर्व है उसको मनाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोटरी क्लब गोरखपुर ने के साथ ऐश्वर्या भी सहयोग कर रही है, उनका विशेष योगदान है इस कार्यक्रम को करने में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले रोटरी एकता मार्च निकाली जाएगी, जिसको हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय फ्लैग ऑफ करके रवाना करेंगे। इस एकता मार्च में हमारे विभिन्न संगठन भी हमारे साथ हैं। रोटरी क्लब गोरखपुर के इस एकता मार्च में रोट्रैक क्लब, एमजी पीजी कॉलेज, एमजी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, रोटरी सिंगर सिलाई मशीन, संस्कार भारती, भोजपुरी एसोसिएशन, इनर व्हील होराइजन, चित्रगुप्त सभा, सर्वोदय मंडल जैसी तमाम संगठन तथा इसके साथ पुलिस के बैंड, पुलिस एनसीसी की टुकड़ी, एनएसएस के जवान, ये सभी लोग इस कार्यक्रम एकता मार्च में शामिल होंगे। ये एकता मार्च हमारे चेतना तिराहे से शुरू होगा और वहाँ से शास्त्री चौक होते हुए, पटेल चौक होते हुए वहाँ चेतना तिराहे पे समाप्त होगा। उसके तत्पश्चात एक देशभक्ति कार्यक्रम होगा सांस्कृतिक, जिसमें दूरदर्शन और रेडियो के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में सभी धर्म के धर्म अनुयायी लोग, उनके धर्म गुरु लोग भी उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जैसे हमारे महंत रविंदास जी हैं, सरदार जसपाल सिंह जी हैं, बिशप फादर थिरुटी मट्टम जी हैं, उसके मुक्त काजी शहरे काजी, ये सभी लोग दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे और दूरदर्शन और रेडियो के कलाकार अपनी देशभक्ति प्रस्तुति करेंगे। पूरे गोल धर्मशाले से लेकर के भगत सिंह चौराहे तक उसको तिरंगे से और महापुरुषों के कटआउट से उसको सजाया जाएगा गुब्बारों से, जैसे परिवार अपने साथ आए वहाँ बग्घी की सवारी, घुड़सवारी सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होगा, खाने के स्टॉल लगेंगे, जिससे इसको एक बड़ा नया आयाम देना है। गणतंत्र उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाने के और जनता को इसमें प्रेरित करने के लिए उद्देश्य कार्यक्रम है।
17 फरवरी को भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान का आयोजन राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज रेलवे बौलिया कॉलोनी गोरखपुर में सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विराट जन क्रांति सभा का भी आयोजन किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने कहा, अनिल कुमार प्रजापति, आगामी 17 फरवरी को रेलवे बौलिया कॉलोनी में स्थित राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज में एक विराट जन क्रांति सभा का आयोजन किया गया है भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न उपजातियों, सामाजिक संगठनों और राजनैतिक धड़ों में बटे असंगठित समाज को एक अनुशासित मंच पर सुनियोजित तरीके से जोड़ते हुए उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक उत्थान देते हुए विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु तथा आए दिन सत्ता संरक्षण प्राप्त धनबली, बाहुबली और पूंजीपतियों द्वारा गरीबों पर और कुम्हारों पर जो जुल्म, जास्ती, अन्याय, उत्पीड़न गांव से लेकर के शहरों और गलियों में बरता जा रहा है, किया जा रहा है, उसको कड़ी टक्कर देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित मंडल स्तरीय स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का एक मैच गघा गोरखपुर और भैरवपुर के बीच खेला गया, जिसमें गघा ने भैरवपुर को 25-17 के सीधे सेटों से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मंडल से बालकों की 8 और बालिकाओं की 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित कौवा बाग डेयरी कॉलोनी में हुई डबल मर्डर से क्षेत्र में फैली सनसनी, एसएसपी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा, मृतकों का भी है आपराधिक इतिहास। वेतन विसंगति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम के संविदा कर्मियों ने इमरजेंसी सेवा ठप करने की दी चेतावनी। सीएमओ ने कहा नो वर्क नो पे, लिखा पढ़ी और फाइनेंशियल डाटा वेबसाइट पर फीड करने में हो रही है दिक्कत। महिला आरक्षी रिक्रूट का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न, पासिंग आउट परेड में शामिल हुई 240 महिला आरक्षी। एडीजी ने किया परेड का निरीक्षण, लिया मार्च पास्ट की सलामी, कहा देश और समाज को है पुलिस से काफी उम्मीदें, करें अपने कर्तव्य का पालन। समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि देकर मनाया जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 95वीं जयंती, कहा पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ाई लड़कर अधिकार दिलाने का किया काम। 26वीं वाहिनी पीएससी रिक्रूट आरक्षी बैच 2018 का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न, आईजी ने किया परेड का निरीक्षण, ली पासिंग आउट परेड की सलामी, दिलाई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस पर जिला महिला चिकित्सालय के ओपीडी में सामूहिक बेटी जन्म उत्सव का किया गया आयोजन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने बालिकाओं को केक खिलाकर किया अभिवादन। गणतंत्र दिवस व कुंभ मेले के मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी ने की सघन चेकिंग, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास।
गणतंत्र दिवस पर रोटरी क्लब और ऐश्वर्या के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम, क्लब के संयोजक ने दी जानकारी। भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान के अंतर्गत 17 फरवरी को होगी जनसभा, महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी। और मंडल स्तरीय स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गगहा ने भैरवपुर को हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।